यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक में लूट का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और साथ ही बाइक सवार बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो ये बड़ी खबर रेवाड़ी से, पीएनबी बैंक से 21,36,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, लुटेरे फरार हो गए हैं। पुलिस फिलहाल उनकी तलाश में जुटी हुई है। पेट्रोल पंप का कैश जमा करने आए थे कैशियर, लेकिन इसी दौरान दो बाइक सवार बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। सर्कुलर रोड स्थित पीएनबी बैंक की यह पूरी घटना है पेट्रोल पंप पर। ज्यादा जानकारी लेंगे पवन वत्स, हमारे संवाददाता रेवाड़ी से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, किस तरह से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी अंतिका, जैसे ही सीसीटीवी कैमरे के खंगाला गया तब उसमें पता लग पाया कि तीन जो बदमाश बताए गए हैं, और उन्होंने जैसे कैशियर बैंक के अंदर एंट्री कर रहा था तुरंत गेट पे खड़े हुए थे और पैसे खोजकर और बाइक पर सवार होकर ये बदमाश पैसे लेकर भागे, जिसमें 21,36,000 रुपए बताए गए हैं। जी, तीन बदमाश थे पवन या दो बदमाश आए थे बाइक पर सवार होकर जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया? सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद ही पता लग पाया कि ये बदमाश तीन थे, जो एक साइड से साइड में निकल गया और दो जो बाइक पर सवार होकर पैसे लेकर फरार हो गए। जी पवन, क्या इनको पहले से जानकारी थी कि यहाँ पर जो है कैशियर आने वाले हैं पेट्रोल पंप के एटीएम में कैश डालने के लिए? जिस प्रकार से वो खड़े थे और उसकी इंतजार करते थे, इसका मतलब उनको ये पता था कि आप कैशियर जब पैसे लेकर आएगा। अब ये तो पूरी जांच का विषय है, पुलिस के द्वारा तभी पता लग पाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पवन वत्स तमाम जानकारी के लिए। तो पेट्रोल पंप का कैश जमा करने के लिए आए थे कैशियर, लेकिन इसी दौरान तीन बदमाश जो बाइक पर सवार होकर आए उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। और साथ ही सर्कुलर रोड स्थित पीएनबी बैंक की ये पूरी घटना है। 21,36,000 रुपए की लूट की गई है।